हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम यहाँ करेंगे करंट अफेयर्स करेंगे। सॉरी, थोड़ा वीडियो थोड़ा अपलोड करने में टाइम लग गया बिकॉज थोड़ा सा बिजी था मैं। सो कोई बात नहीं, लेट आए बट कवर ज़रूर करेंगे। कोई भी चीज़ जो है वो छोड़ेंगे नहीं, राइट? सो आज हम जो यहाँ पर कवर करेंगे वो करेंगे करंट अफेयर करेंगे 26 का। कल से आपको प्रॉपर रेगुलर इसका वीडियो मिलता रहेगा, तो बिल्कुल भी उसकी टेंशन मत लीजिए, राइट? सो आज के जितने भी हमारे डिटेल्स होंगे, जो बेसिक आपके, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिकॉज मैं आपका दोस्त होस्ट यहाँ पर पूरी हेल्प करूँगा आपकी। सो बेफिक्र होकर आप यहाँ से जितना भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ, हार्डली 5 to 10 मिनट्स की वीडियो रहेगी, उसमें आप मैं पूरा शॉर्ट लिस्ट करके जितना रिक्वायर्ड है यूपीएससी के हिसाब से उतना ही आपको बताऊँगा, तो ईज़िली आप यहाँ से अपना करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, राइट? तो आज हम यहाँ सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करंट अफेयर में करेंगे ब्रिक्स के बारे में, राइट? तो ब्रिक्स क्या होती है गाइस, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है? बेसिकली जब हम बात करते हैं ब्रिक्स की, ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, राइट? इंटरनेशनल ट्रीटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल ट्रीटी मतलब जब एक या एक से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज मिलकर जब एक साथ कोई एक ग्रुप बनाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट नेशंस, राइट? उन सारे को एक ट्रीटी कहते हैं, एक एग्रीमेंट कहते हैं, राइट? यहाँ पर ब्रिक्स जो वर्ड है वो डिटरमाइन कर रहा है हमारा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सब मिलकर, बेसिकली इन सब का प्लान है कि ये सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें और इन सब की सपोर्ट से जो है एक नेशंस या एक कंट्रीज़ का एक हेल्प हो सके, राइट? बेसिकली ये सब मिलकर क्या करते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल विच आर हेल्पिंग टुगेदर एंड ईजिली दे आर डूइंग देयर वर्क, राइट? तो इसमें क्या कर रहे हैं, इनका मेन फोकस किस पे होता है, पॉपुलेशंस पे, जीडीपी पे और एक कंट्री की टेरिटरी के ऊपर, ताकि ये ईजिली उन तीनों सेक्टर को मिलाकर एक ग्लोबली ट्रेड कर सकें, राइट? तो अब ये ग्लोबली ट्रेड करने के लिए हमने अगर ध्यान से देखें तो ब्रिक्स ही क्यों ना है। अब रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स में ऐड हुआ है, राइट? तो अब यहाँ पर बात आती है कि इसका हेडक्वार्टर है इसका चाइना में, शंघाई। फाउंड कब हुई थी, नियर अबाउट 2006 में ये फाउंड हुई थी, राइट? जो थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने के लिए, ये तो हो गया प्रीलिम्स के बेस पे कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो हमें क्या याद रखना है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है, राइट? मेन फोकस कहाँ पर होता है, इनका पॉपुलेशन के ऊपर होता है एंड इनका जीडीपी के ऊपर होता है, और 18% इनका जो फोकस रहता है वो टेरिटरीज ऑफ द नेशंस पे रहता है, राइट? अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर जो आती है वो ये आती है कि साउथ अफ्रीका, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि साउथ अफ्रीका जो है वो यहाँ पर रिसेंट ऐड हुआ है, राइट? कब ऐड हुआ है, 2010 में। तो 2010 के बाद में इस ब्रिक्स में कोई और नेशन ऐड नहीं हुआ है, और ऐड होगा तो मे बी ये उस हिसाब से कुछ करेंगे, नेम में चेंज हो सकता है। अब इन पूरे यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ब्रिक्स के नेशन है, राइट? ये ब्रिक्स के नेशन के मेंबर्स है, सपोज ये 5 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। अब जब इन सब ने मिलकर प्लान बनाया तो ये क्या करेंगे कि अब हमें यार एक ऐसा एरिया बनाना चाहिए जहाँ पर हम सब मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट करें। सपोज़ ये इन्होंने एक एरिया चूज़ कर लिया कि भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे मिलकर अपना फ़ंड डालेंगे। वो फ़ंड किस लिए, ताकि जितने भी नेशंस हैं, रेस्ट ऑफ द जितने भी नेशंस हैं उनके लिए प्रॉपर ग्रोथ हो सके, राइट? तो उस फंड जो है उसका नाम इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, इसको हम देते हैं NDB, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने बोला है, राइट? न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने क्या बोला है, एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो इस्टेब्लिश किसने किया है, ब्राज़ील ने, रशिया ने, इंडिया ने, चाइना ने और साउथ अफ्रीका ने, जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक दूसरे को फाइनेंस कर सके, सबकी सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, और एमरजेंसी में अगर किसी को कुछ फंड का रिक्वायरमेंट है या कहीं पर कुछ क्राइसिस आ रही हैं तो उसको कैसे रिकवर करना है। सो यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है वो हेल्प करता है, किनकी हेल्प करता है, इन पांचों नेशंस की, ताकि फाइनेंस में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में या कोई भी और इमरजेंसी सिचुएशंस आ रही है किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में या उनकी खुद की कंट्रीज़ में, तो वो इस NBD बैंक से अपना फ़ंड ले सकते हैं एज अ लोन, एज जैसा भी उनको रिक्वायरमेंट होता है, जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं उस हिसाब से वो यहाँ से ये फ़ंड ले सकते हैं, राइट? सो ये बेसिक चीज़ है, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिक्स जो है वो पांच डिफरेंट कंट्रीज़ को जोड़कर एक नाम बनाया गया है। वो पांचों डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका।
ये सब मिलकर कैस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, पॉपुलेशंस पे, जीडीपी पे और टेरिटरी पे, राइट। नेक्स्ट किंग क्या आता है यहाँ पर, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चाइना में। चाइना में कहाँ पर, शंघाई में, और ये 2006 में बनाया गया था। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट है जो इसमें ज्वाइन किया है, और वो कब ज्वाइन किया है, नियर अबाउट 2010 में, राइट। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक कोलेट्रल बैंक बनाया गया है, किन का बैंक बनाया गया है, इन पांचों कंट्रीज़ ने प्रॉपर डिस्कस करके एक ऐसा बैंक बनाया है जहाँ पर ये सब अपनी फंडिंग्स रखते हैं, सब अपना पैसा रखते हैं, और वहाँ से जिसको जितनी ज़रूरत होती है या उनका जो जो जैसी उनके रिक्वायरमेंट आती है, कुछ क्राइसिस आ रहे हैं, किसी को डेवलपमेंट के लिए चाहिए या कोई वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें उनको फ़ंड की ज़रूरत है, तो वो इस नेशन से या इस डेवलपमेंट बैंक में अपना लोन ले सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है गाइस, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर समझाऊंगा कि सिन गुड्स एंड सिन टैक्सेस क्या होते हैं, राइट। सिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, राइट। सिन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। अब हार्मफुल कैसे हैं सोसाइटी के लिए, जैसे अगर मैं करेंटली बात करूँ, अभी की प्रॉब्लम बात करूँ, तो आजकल का जो यूथ है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड सिटीजन्स जो नियर अबाउट 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज अभी चल रहे हैं, उनमें बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज़ में, पहले के लोग जो है बहुत हेल्दी डाइट लेते थे। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छा खाना करें, हेल्दी डाइट का मतलब कि वो फास्ट फूड इतना कंज्यूम नहीं करते थे, राइट। वो इतना एडिक्शंस नहीं रखते थे चीज़ों को लेकर। पहले के टाइम पर फ़ोन का इतना एडिक्शंस नहीं होता था, जैसे अभी के टाइम पर हम अगर बात करें तो नियर अबाउट 24 आवर्स में से नियर अबाउट 18 to 19 आवर्स जो है वो हमारा फ़ोन में ही रहता है। वॉट एवर वी आर डूइंग, जो भी हम कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारा मैक्सिमम टाइम वहाँ यूज़ हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात आ रही है कि सिन गुड और सिन टैक्स होता क्या है। सिन गुड क्या मैंने बोला कि वो चीज़ जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। अब सोसाइटी के लिए हार्मफुल क्या है, जैसे अल्कोहल, टोबैको, कैंडीज़, ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, शुगर्स, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें जो हैं एक सोसाइटी के लिए हार्मफुल चीज़ें हैं, और आज का यूथ इनमें ज़्यादा एडिक्टेड है, इन पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, और इन पे टाइम स्पेंड करने की वजह से क्या हो रहा है कि वो अपना प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, राइट। जिसकी वजह से नेशंस की ग्रोथ में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, राइट, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। वो प्रॉपरली अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, राइट। सेकेंड चीज़ यहाँ पर जो आती है वो आता है सिंटैक्स। सिन गुड आई होप समझ आ गया होगा। सिंटैक्स की जब बात कर रहे हैं तो सिंटैक्स क्या होता है, वो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर। समझ आया, हेल्थ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो नोटेबल चीज़ें हैं हेल्थ को लेकर वो है टोबैको और अल्कोहल। आज का यूथ जो है वो ज़्यादा किस पे ध्यान देता है, स्टडीज़ या रेस्ट, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों को देखकर उतना ही एडिक्टेड होता जा रहा है, और टोबैको और अल्कोहल का कंजम्पशन उससे ज़्यादा करता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर अच्छे से बात की गई है, मैं आपको वो तीनों प्रिंसिपल एक बार ज़रूर बताऊँगा। अगर हम मैं बोल रहा हूँ कि एक टैक्स का नाम लिया है हमने, सिन टैक्स इज लाइक, जैसे हमारे जीएसटी टैक्स होता है ना, तो हमने बोल दिया कि गुड्स एंड सर्विस के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, वैसे ही एक सिन टैक्स होता है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि हम एक जो सिन्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। अब सिन्स यहाँ पर क्या हैं, जो हमने बोला ये टोबैकोज एंड अल्कोहल्स हैं, राइट। अब तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सिन टैक्स को लगाया जाता है हर नेशन में, हर कंट्री में, तो इससे क्या होगा कि कंजप्शन कम होगा ड्यू टू द हाई प्राइस। अब सपोज मैं आपको बोलूं कि किसी के पास मान लो कुछ पैसे, वो अपना मंथली जितना भी प्लान करता है उसमें कुछ पैसे वो इनके लिए भी रखता है कि मैं पूरे महीने में इतना ये लूँगा, इतना ये लूँगा, राइट। एंड वो उतना ही अपने टोबैको और अल्कोहल के लिए भी एक बजट बनाता है। अगर मार्केट में उस चीज़ का प्राइस उतना बढ़ जाएगा कि उसके बजट से वो बाहर हो जाएगा, तो उसका कंजप्शन कम हो जाएगा। जहाँ वो एक महीने में सपोज दो या तीन बोतल पीता था, वहाँ वो एक बोतल पिएगा, तो इससे उसका कंजप्शन कम हो जाएगा और उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, राइट। और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नेशंस के लिए या कंट्रीज़ के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, राइट। सेम उन्होंने बोला कि अगर हम इस चीज़ के ऊपर टैक्स लगा देंगे और उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो जिससे क्या है, कंजप्शन कम हो जाएगा, सोसाइटी के लिए एक हेल्थ इकोसिस्टम बन जाएगा, एरियाज वाइज या आसपास में एक अच्छा इकोसिस्टम अवेलेबल होगा, राइट। इंक्रीज रिसोर्सेज ऑफ हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में और रिसोर्सेज बन पाएंगे क्योंकि कंट्रीज को एक अच्छा टैक्स मिलेगा। सपोज जीएसटी अगर लोग अपना टैक्स प्रॉपर पे कर रहे हैं, तो एट द एंड जो एक गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, वो उस टैक्स को उन्हीं के ऊपर यूज़ कर रही है, अपने ही नेशंस के जो पीपल हैं, अपने ही नेशंस के जो लोग हैं उनके ऊपर ही लगा रही है, राइट। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जैसे यूके, कनाडा, स्वीडन,
यहाँ मैंने स्वीडन नहीं लिखा है, आप स्वीडन भी लिख सकते हैं, राइट। स्वीडन, इन तीन कंट्रीज ने सिंटैक्स का अभी तक ये लोग यूज़ कर रहे हैं, सिंटैक्स को इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। एंड आप देख सकते हो यूके डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है, कनाडा आजकल हर इंडिया में, अगर मैं बोल रहा हूँ कि नियर अबाउट मोर देन 40-50% लोग जो हैं वो कनाडा में जाना चाहते हैं, और कनाडा में सेटल भी हैं बहुत सारे लोग, राइट। हर पंजाब की फैमिली में से एक ना एक इंसान कनाडा में सेटल है, क्यों? बिकॉज वहाँ पर उनको रहने को अच्छी चीज़ें मिल रही है। सॉरी फॉर द स्पेलिंग, यहाँ पर CANADA है, इट विल बी मिसस्पेल्ड, राइट। अब यहाँ बात आ रही है कि ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है, राइट। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है? अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका कंजप्शन जो है वो बेसिकली किसके ऊपर जा रहा है, हेल्थ रिस्क के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो रही हैं, बहुत सारी डिजीज़ हो रही हैं, लाइक कैंसर हो रहे हैं, हार्ट कंडीशंस हो रही हैं, ऑब्सिटी हो रही है, राइट। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक प्रॉपरली कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, उसके लिए प्रॉपर एक सिंटैक्स की ज़रूरत है। और अभी मैं बात करूँ तो मेक्सिको ने इम्पोज किया है एक सोडा टैक्स, राइट। अभी तक बात हो रही थी, हम सिंग गुड्स पढ़ रहे थे, सिंग टैक्स पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर मेक्सिको ने बात कर दी है किसकी, सोडा टैक्स की, राइट। तो ये सोडा टैक्स जो है वो नियर अबाउट 2013 में है, ये आपके प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन पर आता है कि अभी रिसेंटली किसने सोडा टैक्स को इम्पोज किया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वहाँ पर, मेक्सिको। सो गाइस प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिए कि मैंने ये चीज़ बहुत पहले ही शॉर्टलिस्ट करके रखी है, तो अगर आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो इसके बाद आपको दोबारा इस टॉपिक के ऊपर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो मेक्सिको इज़ द लास्ट कंट्री हु ऐड द सोडा टैक्स, राइट। सो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा छोटा सा, वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राइट। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का मतलब क्या है कि यहाँ पर बात हो रही है कि एयर प्योरीफायर की, राइट। एयर को कैसे प्योरीफाई करना है, राइट। एयर को प्योरीफाई करने के लिए यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं, या होम मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट वाली, उसने क्या किया हुआ है, एक लॉन्च की है एक एयर ग्रीन प्रोग्राम जो 2019 में किया, राइट। क्लियरली अगर मैं इसको बोलूं कि एक नया यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उसने क्या किया हुआ है, एक नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया है, कब किया है, 2019 में किया है, राइट। अब यहाँ पर बात आ रही है कि इसका मेजर गोल क्या है। अब ध्यान से अगर देखें, जस्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ दिल्ली की, राइट। दिल्ली में आप देख रहे हो अभी लास्ट टाइम की रिसेंटली, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, राइट। क्यों पॉल्यूशन है? क्योंकि दिल्ली के पास जो स्टेट पड़ती है वो पड़ती है हमारी हरियाणा, राइट। मतलब ये उसका हाईवे टच करता है, राइट। तो हरियाणा में नियर अबाउट जब भी फसल वगैरह उगती है, और जब फसल की कटाई होती है, तो फसल की कटाई के बाद वहाँ पर क्या आती है, पराली बचती है, राइट। पराली आपने देखा वो येलो कलर की होती है, राइट। अब उस पराली को वो लोग क्या करते हैं, वो डिस्पोज तो हो नहीं सकती कहीं ना कहीं, तो उसको वो क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। और उसको बर्न करने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारा पोल्यूशन जो है वो एयर में ऐड हो रहा है, और वो पोल्यूशन जो है वो बाय द एयर मींस वो ट्रेवल करता हुआ कहाँ चला जाता है, अपनी नियर अबाउट बाउंड्रीज में, लाइक दिल्ली में पहुँच जाता है। और दिल्ली एक क्राउडेड सिटी है, राइट। और क्राउडेड सिटी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एयर जो है ना वो एक सराउंडिंग में वैसे फैल जाती है, राइट। उस सराउंडिंग की वजह से क्या होता है कि वो एयर जो है वो कहीं पर और घूम नहीं पा रही है, तो क्या करिए, उस पूरे के ऊपर एक लेयर से बना देती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयर जो है वो प्योरीफाई नहीं हो पा रही है, राइट। तो इसके लिए उन्होंने मेन जो नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या करें भाई, कि हम कंसंट्रेशन जो है किसका, पीएम का, पर्टिकुलर मैटर का जो है उसको कितना कम कर सकते हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया है कि नियर अबाउट हम इसको क्या करेंगे, 20% तक कम करेंगे, कब तक, 2024। और इसका उन्होंने बेस ईयर किसको रखा है, 2017 को, मतलब लास्ट जो स्टैंडर्ड उन्होंने जब मेजर किया था उस हिसाब से, 2017 के हिसाब से उन्होंने प्लान किया है कि एटलीस्ट 20% हम 2024 तक इसको कम करेंगे, राइट। अब वो कितना करेंगे वो तो डिपेंड करता है, बट देखते हैं वो कितना करते हैं। अब बोला है हर बार गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लाती ज़रूर है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेंट मतलब हु इज़ इन दिस, तो यहाँ पर हमारी जब बात आती है पार्टिसिपेशन की, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ, नीति आयोग, नीति आयोग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको हम CPCB बोलते हैं, नीति आयोग यहाँ पर ऐसे थिंक टैंक का ही काम करेगी, अपना जितना भी उसमें प्लान्स होंगे, एक्शंस होंगे, उन्हीं को बताएगी। सो नीति आयोग विल जस्ट एक्ट एज अ एडवाइजर, राइट। अब लॉन्च कब हुआ था ये,
एक साल होने को हो गया है, ये अराउंड एक साल ख़त्म हो गया है, 2019 जनवरी में स्टार्ट हुआ था ये, राइट। सो इट विल बी अराउंड 2020 जनवरी एंड 2020-21 विद इन 3 to 4 मंथ, इसको नियर अबाउट 2 ईयर्स हो जाएंगे। बट अभी भी अगर हम बात करें तो इतना हमें देखने को नहीं मिला है कि हमारे पॉल्यूशंस या वगैरह में बहुत सारा फ़र्क पड़ा हो, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा नुखाई जोहार। नुखाई जोहार बेसिकली क्या होता है, एक फेस्टिवल है, राइट, एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जिसको नुखाई परव या नुखाई बेदगाड बोलते हैं। और इसको कहाँ पर मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है वो बताता हूँ मैं आपको, राइट। अब नुहाई जो है उसको हम बोलते हैं लेटिन में न्यू, और खाई मतलब ईट। अगर हम ध्यान से देखा जाए तो ये वर्ड हमारा क्या बनता है, न्यू ईट, राइट। अब इसको अगर हम बात करेंगे जोहार के साथ ऐड ऑन करने के में, राइट, सो बेसिकली इट इज़ ए एंशियंट फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन द नेबर स्टेट्स टू वेलकम क्रॉप्स, राइट। जितनी भी नई फसल उगती है उस फसल्स को वेलकम करने के लिए नुहाई ख्वाब एक ओडिशा में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये प्रॉपरली फार्मर्स जो हैं वो इसको वेलकम करते हैं, राइट। ओके, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एक क्लोजअप ले लेते हैं इस पूरे का। नुहाई जोहार जो है वो एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, राइट। इसको बेसिकली कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, और नियर अबाउट जो 36 के नेबर्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं या स्टेट्स हैं वहाँ पर एक एंशियंट फेस्टिवल है, बहुत सालों से वहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर वो क्या करते हैं, जितनी भी फसल उनकी उगती है, जितनी भी फसल वो क्रॉप वहाँ पर करते हैं, उसमें से पहली कटाई के बाद जो उनकी धान होती है जिसको वेलकम क्रॉप बोलते हैं, उसको वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने भगवान के सामने रखते हैं, जिसको गॉडेस समालेश्वरी बोलते हैं, जो एक ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है, राइट। इसका क्या है कि जो नई फसल होती है, सबसे पहली फ्रेश जो फसल होती है उसको वो भगवान के सामने रखते हैं। इसको मैं अगर आपको एक एग्जांपल के साथ, वो अगर आपने एक मूवी देखी थी जिसमें वो अनिल कपूर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने थे, नायक मूवी, राइट, उसमें एक सीन था जिसमें अनिल कपूर जब किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो फार्मर्स क्या करते हैं, उनकी उनको ये ही चीज़ सेम करते हैं, उनकी जो पहली फसल होती है उसका एक वो बर्तन में भर के उनके आगे देखते हैं, बोलते हैं हम भगवान के चढ़ाते थे पर इस बार आप हमारे भगवान हैं। सो दिस इज जस्ट टू कीप रिमेंबर कि आपको कैसे याद रखना है इस चीज़ को, राइट। सो ये कहाँ मनाई जाती है, बेसिकली नुखाई जोहार जो है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उसके नेबर स्टेट्स में मनाई जाती है, एक एंशियंट फेस्टिवल है और इसको मनाया जाता है फॉर द वेलकम टू द क्रॉप्स एंड गॉडेस समालेश्वरी इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा, राइट। सो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया हैज़ जॉइंड हैंड्स विद द सोसाइटी ऑफ ओडोनेट स्टडीज़। इंडिया ने क्या किया है, अपने हाथ में ला लिए हैं उनके साथ ताकि ये प्रॉपर उस चीज़ को कर सके। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक केरला की डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं थुम्बीपुरम, राइट। थुम्बीपुरम ने क्या किया है, फर्स्ट टाइम एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो है वो केरला में होने जा रहा है, फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जिसको हम बोलते हैं, और उस फेस्टिवल का नाम यहाँ पर क्या है, थुम्बी महोत्सव 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम्स है साइंस के, बेसिकली आपके जितने भी इन्वायरमेंट के सेक्शंस हैं वो यहीं से कवर हो जाते हैं, और इन्वायरमेंट का वेटेज काफ़ी रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये आपको लास्ट में काफ़ी तकलीफ ज़रूर देंगे, राइट। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि थुम्बीपुरम केरला में एक स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल हो रहा है जिसका नाम उन्होंने रखा है थुम्बी महोत्सव 2020, राइट। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पंटालू क्या है, यहाँ पर पंटालू एक ऑफिशियल मास्कोट है इस फेस्टिवल के लिए, राइट। इट्स लाइक एक बी की तरह होता है आपको, वैसा एक मतलब ऑफिशियल मास्कोट उन्होंने यही चीज़ रखा है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच वॉज द ऑफिशियल मास्कोट फॉर द केरला एवन ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, तो आपको ऑप्शन में पंटालू मिलेगा ज़रूर, राइट। यहाँ इम्पॉर्टेंट रहता है वॉट इज द फैक्ट अबाउट WWF, राइट। WWF 1961 में आई थी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में होता है। तो आपको अगर मैं बोलूँ कि सपोज कोई प्रॉब्लम्स में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और जिसका आपको हेडक्वार्टर नहीं समझ आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हेडक्वार्टर्स इसी के आसपास होता है। तो आप अगर बिल्कुल कन्फ्यूज हैं और आप चाहते हैं उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, तो आप इसके साथ थोड़ा सा जा सकते हैं, राइट। इट्स ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, तो हम बोल सकते हैं इट्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। So I hope you guys like my videos. So I suggest thank you and do like the video, do like
it the and follow as much as you can and help so many peoples with this, and subscribe it and press the bell icon for more videos. And I hope you like this video. Agar koi bhi aapko doubt hai ya any queries, just put the comment section and definitely I'll approach to you and main uska properly response de sakunga. Right, thank you once again. Thank you guys.